तो गाइस हम लोग सुबह सुबह जो है घटारानी पहुंच गए थे और हमारे साथ में है केशव निषाद जी। तो आज हम लोग आप लोग को घटारानी का टूर कराते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी हम हैं घटारानी के ऊपर में, जो वाटरफॉल है उसके जस्ट ऊपर में है हम लोग। भारी दिन बाद देखेंगे। ज्योति कक्ष भवन, भगवान कुबेर मंदिर। तो ये है दोस्तों कुबेर मंदिर। तो गाइस हम लोग अब नीचे जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए, और जो वाटरफॉल है जहाँ से पानी जो है गिरता है नीचे, वो जगह आप लोग को दिखाएंगे। तो ये सीढ़िया है, वह नीचे उतरते उतरते हम लोग जा रहे हैं। ये बड़ा सा जेब्रा, और ये पूरी सीढ़ी है मंदिर जाने के लिए और नीचे वाटरफॉल पे जाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बड़े बड़े पत्थर और इसके बगल से जो है सीढ़ियाँ बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये लिखा हुआ है माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा भगवान कुबेर मंदिर ऊपर, और हम लोग जा रहे हैं मेन मंदिर में जो माता का मंदिर है। देखिए तो ये शेर का मुंह है, इसी के अंदर घुसना है। और ये देखिए बिल्कुल पहाड़ के किनारे में बनाया गया है मंदिर को, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और ये है माता का मंदिर। जय माता दी, जय माता। और ये है वाटरफॉल, तो बरसात में यहीं से पानी गिरता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है दोस्तों, पूरे पहाड़ी के बीच में, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए आप लोग को नीचे जाके भी दिखाते हैं। उधर जो है इस साइड आगे में बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, उन दुकानों को भी हम लोग दिखाते हैं आप लोग को। जय बजरंगबली। तो ये कुंड का सफाई का काम चल रहा है अभी। ये और शिव जी, तो ये एक और शारदा भवानी मंदिर, मैहर वाले लिखा हुआ है। जय माता दी। ये एक और रोड है इधर,
हम लोग ऊपर साइड से आए हैं और ये नीचे साइड से आने का रास्ता है वो भी दिखा देते हैं आप लोग को। कौन गाँव है जी? ये घाटा रानी में देखिए काफी बड़ा गेट है दोस्तों, दोनों साइड जो है, और गेट के अंदर जैसे ही आएंगे काफी सारी दुकानें लगी हुई है, बहुत सारी दुकानें खिलौनों की, खाने पीने की और प्रसाद वगैरह की, देखिए बहुत सारे दुकानें हैं। सब पिकनिक वाले जो है खाना वाना खा रहे हैं, और ये है ऊपर साइड जहाँ से वाटरफॉल गिरती है, तो ये है दोस्तों वाटरफॉल, लेकिन अभी सूख गया है। और ये जनवरी है, जनवरी 2023, और जनवरी में आज 21 तारीख है, 22 तारीख है, आज संडे है, और ये सूख चुका है पूरा। ये मंदिर है, और ये देखिए यहाँ पे रस्सी वगैरह लगा दिए हैं ताकि लोग आगे मत जाएं। और ये है वाटरफॉल सूखा हुआ, और ये नीचे का नज़ारा, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो ये वाटरफॉल के ऊपर में भी खाने पीने की चीज़ें बनी हुई हैं, दुकानें बनी हुई हैं। तो गाइस यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए माँ घाटा रानी अंदर जो है 5 किलोमीटर है यहाँ से, जब जतमई से आप लोग आएंगे छुरा वाले रास्ते पे, तो और छुरा 18 किलोमीटर, फिंगेश्वर 35, पांडुका 20, ये दिया गया है। तो ये रोड है सीधा, यहाँ से जो है ये वाले लेफ्ट में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे घाटा रानी पहुँच जाएंगे। तो गाइस ये वीडियो जो है मैं जनवरी लास्ट वीक में बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को आना है नहीं आना है जतमई घाटा रानी, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि वाटरफॉल इस समय चलता नहीं है, और ये जनवरी का लास्ट वीक है 2023, और जो है वाटरफॉल अभी सूख चुका है। रिसेंट आप लोग को दिखाया मैं जो है घाटा रानी कैसा है, और अभी जो जा रहा हूँ मैं जतमई, तो आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में जो है मैं जतमई दिखाऊँगा। और घाटा रानी आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।